अगर आपके सर पे बहुत डैंड्रफ है, उसके चलते हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ है, बहुत जन ऐसे हैं जिन लोगों का डैंड्रफ नहीं है लेकिन बाल झड़ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं रेमेडी लेके आई हूँ। डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन से भी होता है और नहीं तो हार्मोनल चेंजेस होने से भी डैंड्रफ होते हैं, स्वेटिंग होने से भी डैंड्रफ होते हैं, बहुत ऑयल इस्तेमाल करने से भी डैंड्रफ होते हैं। डैंड्रफ छोटे बच्चे से शुरू करके बड़े तक सबको ही हो सकते हैं, इसलिए आप घर बैठे डैंड्रफ को कैसे क्योर कर सकते हैं, इसका रेमेडी लेके मैं आई हूँ। अगर आपका डैंड्रफ नहीं है फिर भी बाल बहुत झड़ रहे हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मेरे देखिए कोई डैंड्रफ नहीं है, देख रहे हैं, एक भी डैंड्रफ नहीं है। मेरे स्कैल्प पूरा क्लीन है लेकिन फिर भी मेरे बाल झड़ रहे हैं। मेरे स्कैल्प में एक भी डैंड्रफ नहीं है लेकिन मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से पैक नहीं लगाई हूँ, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बालों का कुछ किया नहीं की हूँ, सिर्फ ऑयल लगाई हूँ। कभी कभी शैम्पू में एलोवेरा जेल मिला के इतना लगाई काफी हूँ। नहीं होता है बालों के लिए? आपको 15 दिन में एक बार जितना भी ठंड पड़े मास्क लगाना ही है, नहीं लगाने से आप अपने बालों का केयर नहीं कर सकते हैं। मेथी दाना एक ऐसा मेडिसिन है, आपका जितना भी हेयर फॉल हो आप लोग एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका डैंड्रफ और हेयर फॉल तुरंत चले जाएंगे। इस मास्क को आप लगाइए, देखिएगा एक ही इस्तेमाल में आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। देख लेते हैं मैं ये हेयर मास्क कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल हेयर मास्क है और इसको ज़्यादा तांग चाक करने का नहीं है। आप इस हेयर मास्क को 35 मिनट्स रखिएगा, ये ठंडी के दिन है इसलिए बोल रहे हैं 35 मिनट्स रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ऐसे भी सीजन ड्राई है और 35 मिनट्स में हाफ ड्राई आपके बाल हो जाते हैं। उसके बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को मैं कैसे बनाती हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स है मेथी दाना। यहाँ पे मैं 2.5 स्पून मेथी दाना ली हूँ। इसको ओवर नाइट भिगो के रखना है। मैं पानी में धो के उसके बाद इसमें पानी दे के ओवर नाइट सोक करके रखी हूँ। देखिए मेरी मेथी दाना कितने फूल गए हैं। आप इतना ही पानी देंगे जितना पानी और मेथी दाना सब मिला के आप मिक्सिंग जार में पीस सकते। एक्स्ट्रा पानी आपको ऐड करना और नहीं पड़े। देखिए मैं इसको मिक्सिंग जार में पीस ली हूँ। पीसने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिला रहे हैं। अब जो ब्रांड का इस कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अब उसी ब्रांड का कोकोनट ऑयल इसमें डालिएगा। उसके बाद आपका अगर सिर पे बहुत डैंड्रफ है तो हाफ लेमन जूस डालिएगा। अगर आपका डैंड्रफ नहीं है तो लेमन जूस को आप स्किप कर सकते हैं। डैंड्रफ रहने से लेमन जूस आपका डैंड्रफ को हटाता है। इसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच दही। इसके साथ दही को मिला लेना है। मिलाने से आपका एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल पैक बन के रेडी हो गया। देखिए मैं यहाँ पे दही को मिला रही हूँ। आप भी इसी तरह दही को और ये मेथी दाना पेस्ट को एक साथ अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। अगर आपके बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके सर पे बहुत डैंड्रफ है, तो वीकली वंस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं तो आप इसको 15 दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको 15 दिन में एक बार अगर आप रेगुलर वाइज इस्तेमाल करते हैं तो आपका कभी हेयर फॉल होगा ही नहीं और सर पे डैंड्रफ भी नहीं रहेंगे। चलिए देख लेते हैं मैं इसको कैसे लगाती हूँ। पहले आप बालों को अच्छी तरीके से कंघी कर लीजिएगा। कंघी करने के बाद आप बालों को पार्टीशन करते जाइए और हेयर रूट में इस पैक को लगाते जाइए। पूरे हेयर रूट में अच्छी तरीके से इसको लगा लीजिए। उसके बाद आप पूरे हेयर में इसको लगाइएगा। ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बटम पूरे हेयर में लगाना है। इसमें मेथी दाना है,
मेथी दाना में प्रोटीन और विटामिन सी होते हैं जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के साथ साथ बालों को घना और लंबा करते हैं। मेथी दाना में आयरन भी अच्छी मात्रा में होती है जो कि आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है और बालों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मेथी दाना में कई गुण हैं जो बालों को अच्छी ग्रोथ और स्कैल्प को रिपेयर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसी तरह आप पूरे बालों में इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद आप 35 मिनट्स इसको रख दीजिए। अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं तो इस पैक को लगाने से आपके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और सिल्की और शाइनी होंगे। मैं इस पैक को लगा के एक जूड़ा बनाई हूँ। आप लोग अगर इसको सीधा छोड़ देंगे तो देखिएगा धीरे धीरे आपके बाल सीधे भी हो जाएंगे। देखिए मैं लगाने के बाद 35 मिनट्स छोड़ दी थी, उसके बाद शैम्पू करके आ गई। इस पैक को लगाने से आपका शैम्पू का क्वांटिटी भी बहुत कमती लगता है। आप थोड़ा सा ही शैम्पू लगाइएगा, देखिएगा आपके बाल पूरे धुल जाएंगे और एक बार इस्तेमाल से ही देखिएगा आपके बालों का झड़ना भी कमती हो जाएगा और सर का डैंड्रफ भी चले जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये साल का एंड है, सावधान से रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर, फिर मिलेंगे नए साल में, तब तक के लिए बाय।